नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। दोस्तों, मेरे एक भाई ने सवाल किया था कि उसके जो है ना पड़ोसी ने जो है उसके ऊपर जो है फर्जी केस दाखिल कर दिया है और उसका जो है FIR हो गया है, तो उसका क्या होगा, उसको रिजेक्शन मिलेगा या फिर उसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है आपका जॉइनिंग के टाइम पे जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। पहले मेडिकल के टाइम पे भी होगा, लेकिन वो नॉर्मल वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपका जो है पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा उस टाइम पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट आएगा, उसमें जो है आपको वहाँ के SDO SDM और पुलिस स्टेशन का जो है साइन वगैरह ले जाना होता है। अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म पे मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना होता है और वो कैसे किस तरह का फॉर्म होता है। तो वैसे आपको फॉर्म आएंगे और उसके ऊपर जो है आपको फ़ोटो वोटो लगवा के साइन लेके ले जाना होता है। अब दोस्तों, पहले ही बात तो वो है कि आपको अगर कोई पुलिस कंप्लेंट केस है आपके ऊपर है, तो जो है आपको वो पुलिस स्टेशन वाला जो है वहाँ पे साइन नहीं देगा, आपको आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। पहली बात, यहीं से आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात दोस्तों, कि जब आप ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा तो उसमें सीधा लिखा रहेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है तो आपको जो है 30 या 35 दिन का टाइम दिया हुआ रहता है। उतने टाइम के अंदर आपको जो है जहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है उस डिपार्टमेंट को जो है आपको सूचित करना होता है। तो सबसे पहले काम आपको दोस्तों यही करना होगा, अगर आपके ऊपर कोई केस कर दिया है, फर्जी केस है, तो जो है आपको उसे आपके डिपार्टमेंट को आपको जहाँ से लेटर ज्वाइनिंग लेटर आया है वहाँ आपको सूचित करना होगा। फिर आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई फर्जी केस वगैरह हुआ है, अगर वो FIR नहीं हुआ है, देखिए दोस्तों क्या होता है पुलिस स्टेशन में, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि जो फर्जी केस लोगों को पसंद नहीं आता है, हम लोग जॉब पे लग जाते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो जो है फर्जी केस करते हैं दोस्तों लोगों को, जो आपके आसपास वाले होते हैं, पड़ोस वाले होते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगता आपका जॉब पे लगना। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि इसको लगता है इसका जॉब क्या मतलब कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजेक्शन हो जाएगा, इसलिए जो है फर्जी केस करवा देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, अगर आप सही हो, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन आपको बता दूँ कि अगर आपके ऊपर ऐसा कोई फर्जी केस हुआ है तो आप सबसे पहले एक काम करिएगा, अपने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो ऑफिसर्स होता है, जैसे PSI SI लेवल का होता है, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है SHO, उसे जाके मिलिए, उनको बताइए सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये फर्जी केस है, ऐसा है। अगर ये मामला रफा दफा हो सकता है तो आप अपने प्रयास करिए, अपने लेवल पर प्रयास करिए इसे रफा दफा करने की, क्योंकि क्या होगा ना, फिर आगे जाके आपको समस्या होगी। प्रॉब्लम तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मतलब सामना करना पड़ेगा, दिक्कत आएगी, उससे फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपने लेवल पे उसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से, तो उसे करना जरूर मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप वहाँ पे जाओगे, उसे कुछ पैसा वैसा दे के या फिर कोई होगा ऐसा मतलब ऐसा दे के कुछ अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो उसे आप करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर ये नहीं होता है तो क्या करना होगा दोस्तों, अगर क्या होता है, पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो पहले NCR होता है, उसके बाद FIR होता है। ऐसे डायरेक्ट FIR नहीं करता है, आपको पहले जो है वो देखेगा इसने सही में क्राइम किया है या ये नहीं है, ये सब पहले देखा जाता है। डायरेक्ट FIR, जैसे दोस्तों आपको पता होगा, नॉन कॉन्जिबल और कॉन्जिबल जो क्या है उसमें मतलब आपराधिक मामले में जो आता है, जैसे गैर जमानती या जमानती ऐसे होते हैं, उसमें टाइप्स होते हैं, मतलब जो भी अपने गुनाह किया है उसके, तो आप उसमें देखिए, अगर आपका जमानती है तो आपके ऊपर डायरेक्ट FIR नहीं होगा, आपके पहले छानबीन होगी। और लेकिन जैसे रेप मर्डर वगैरह ऐसे केसेस होते हैं उसमें डायरेक्ट FIR होता है, तो आपके ऊपर जैसे आपका छोटा मोटा अगर कोई होगा तो आपका डायरेक्ट FIR नहीं हुआ होगा, आप जाके उससे मिलिए पुलिस स्टेशन में जाके, वो आपको सोल्यूशन बताएगा। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करना है दोस्तों, आपको जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आएगा तो उसमें जो डॉक्यूमेंट आएंगे तो आप वो सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाइएगा। अगर उसने साइन दे दिया वहाँ पे तो ठीक है, उसको लेके जाइएगा। फिर अगर नहीं दिया तो फिर आपको डिपार्टमेंट को जो है सूचित करना होगा।
फिर क्या होगा, आप जो है ज्वाइनिंग के ज्वाइनिंग करोगे, आपका ज्वाइनिंग होगा और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तो उसको जो है पुलिस वेरिफिकेशन को जो है टाइम लगता है लगभग एक साल का। तो आपका ज्वाइनिंग एक बार हो जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट जो है आपका वेरिफिकेशन करेगा, आपके बाकायदा आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपके पुलिस स्टेशन जाएगा, फिर वहाँ से आपको घर वालों को बुलाया जाएगा। अगर कोई ज़्यादा इशू है, आप ऐसे कई मामले में पकड़े जाते हो, तो फिर आपको ट्रेनिंग करते हुए वो चलता रहता है, एक साल वो लगता है उसको। तो आपका ट्रेनिंग भी चलता रहता है और वो प्रोसीजर भी होती रहती है। तो अगर आपका कोई ऐसा मैटर है तो जो है आपको फिर रिजेक्ट करेगा, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मतलब अभी ज्वाइनिंग आपको दे देगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा फर्जी वर्जी केस है तो आप बिंदास रहिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका डिपार्टमेंट ही करेगा और पुलिस स्टेशन उसे अच्छे से हैंडल कर देता है। वो अगर फर्जी वर्जी केस है तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब दिक्कत तब है कि अगर रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ऐसे कोई केस में आप फंसे हो, तब आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन का जो है ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सबसे और इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात दोस्तों इसमें, कि अगर आपका ऐसा फर्जी केस अगर उसमें हुआ है, मतलब किसी पड़ोसी ने किया है अगर फर्जी केस आपके ऊपर, तो आप थोड़ा सा मामला जो है सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर रहेगा। मतलब आपको समस्या का सामना फिर आगे नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि वो मामला तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन आपको बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। कंडीशन ऐसी ख़राब होती है कि बहुत मतलब आदमी परेशान हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, वो बाजू वाले मेरा था, मतलब उसको लगा अभी जॉब पे लग गया, उसको लगा कि अगर मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा फिर इसका जो है रिजेक्शन हो जाएगा। अब फिर मैं गया अपने पुलिस स्टेशन में, उनको बताया सर ऐसा ऐसा है, मेरे गांव में थोड़ा सा जो लोग मेरे सपोर्ट वाले थे उन्होंने भी थोड़ा बताया सर हाँ ये लड़का ऐसा ऐसा है, पढ़ने वाला है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तो जो है इसने जो है जानबूझ के करवाया है, ऐसा उन लोगों ने थोड़ा सा बताया। और वो जो वहाँ पर SHO था, पुलिस इंचार्ज था, वो वहाँ पर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, वो थोड़ा अच्छा था, उसने समझ लिया और वो मामले को जो है रफा दफा कर दिया। और फिर मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था, मैं फिर साइन वाइन ले गया, उनसे ही साइन लिया था, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं अपना जो साइन उनसे करवा के ले गया, फिर ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइनिंग जब किया तो उसके साथ वो फॉर्म जाके वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम पे वहाँ पे दे दिया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मेरा वेरिफिकेशन भी बाद में हुआ, मेरे घर में पुलिस गई थी, मतलब जो मेरे एरिया में जो पुलिस स्टेशन रहता वहाँ पे हमारे अपने डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो गए, पुलिस वालों ने भी वेरीफाई किया था, मेरे घर वालों को बुलाया था, वेरिफिकेशन पे टाइम पे बुलाता है दोस्तों, तो वो पुलिस स्टेशन के टाइम वेरिफिकेशन के टाइम पे पुलिस वाले मेरे घर से मतलब घर पे गए थे, उन्होंने देखा गांव में जो होता है जो पुलिस का जो होता है तंटा मुक्त वगैरह जो होता है, अध्यक्ष आपके यहाँ होता नहीं पता नहीं, लेकिन हर गाँव में होता है, मैं गाँव में रहता हूँ तो गाँव के बारे में बता रहा हूँ, सिटी में भी होता है ऐसे, जो भी पहचान वाले उनके होते हैं जैसे पुलिस मित्र वगैरह जो भी हमको पता है उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके ये लोग देखते हैं लड़का अच्छा है या नहीं है, फिर इसके बारे में रिपोर्ट बना के फिर डिपार्टमेंट को भेज देते हैं वापस। तो मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ, लोग उन्होंने पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट बनाया कि हाँ लड़का अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई करता था, ऐसा ऐसा कोई झगड़े में नहीं है, तो जो है पुलिस जो मेरा कैरेक्टर जो है अच्छा बना दिया था, मतलब अच्छा बता दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही फिर डिपार्टमेंट को गया, फिर मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। अब कई सारे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई सारे ऐसे लड़के थे जिनका रिजेक्शन इसके मामले में हुआ था, कि जो फर्जी केस मतलब ऐसे ही साइन वाइन ले आए थे फर्जी साइन, फिर वो जो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो जब उनके घर में पुलिस गई, फिर पुलिस को पता लगा कि ये लड़का ऐसा ऐसा है, फिर वहाँ से उन लोगों ने जो है लिख के वापस भेज दिया था, अपने डिपार्टमेंट को पता चल गया, तो फिर वहाँ पे यहाँ से इनको फिर निकाल दिया था, घर वापस भेज दिया था। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है दोस्तों, इसीलिए आप जो है पहले इसके मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।